लगी तो नहीं। अरे उसे छोड़ो, बट्टे को देखो, वो ओके या नहीं। बट्टे को कुछ हो गया ना तो दूसरा नहीं मिलेगा, आदि को कुछ हो गया तो डॉक्टर ठीक कर देगा ना। मोहित, यू आर सो मीन। हां नहीं भाभी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बट्टा ठीक तो है ना, इसे कुछ हो जाता तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता वॉचमैन के घर इसे लाने। आदि, उसकी सिलबट्टे की दुकान नहीं है, उसका घर था जिसमें एक ही सिलबट्टा था जो हम लोग लेके आ गए हैं। पर आप ये सब लाए क्यों हैं? सुहानी, तुम्हें याद नहीं है कल मम्मी जी ने क्या कहा था? इस सिलबट्टे पे मसाला पिसेगा और इस हसिया पे साग कटेगा। क्या? हाँ? The साग will be cut on the हसिया। हसिया की अंग्रेजी बता भाई। हसिया यानी ये, वो समझ गई। And the spices will be grinded on the सिलबट्टा। सिलबट्टे की भी बता दी अंग्रेजी। भैया, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, मुझे हिंदी आती है। पर जब मिक्सर ग्राइंडर है तो फिर सिलगट्टे पर। सुहानी, सिलगट्टा नहीं, सिलबट्टा, बट्टा। हाँ हाँ, व्हाटएवर, पर सिलबट्टे पर क्यों करना? क्योंकि बहू, सिलबट्टे पर पिसे मसाले का स्वाद ही अलग होता है और साग काटने का भी तरीका होता है। बेटा, तुम ये साग काट लो और तुम मसाला पीस लो। ठीक है। अदरक और लहसुन दोनों? हाँ, दोनों साथ में मिला। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? कूटना नहीं है, पीसना है इसको। हाँ ऐसे। हाँ बाकी है। अरे मम्मी जी, मेरी उंगली कट गई। अरे ये तो, जाओ जाओ बहू, दवाई लगाओ जाकर। जाओ जाग, मैं काट लेती हूँ। जाओ। अरे बहू, ऐसे क्या देख रही है? साग काटना भी एक कला है, ऐसे साग काटो ना, बहुत अच्छा स्वाद आता है। जी भाभी, ध्यान देके काम करना चाहिए था। देखा, चोट लग गई ना, ज्यादा भी लग सकती थी। पता है आपको, किचन में जब भी काम करो ना तो ध्यान देना चाहिए। आदी, प्लास्टर करवा ले। छोटा सा कट है। छोटा सा कट है, लोहे से कटा है, सेप्टिक हो सकता है, टेटनेस हो सकता है। राइट आदि। अरे वैसे ही इतनी अकड़ के चलती है, टेटनेस हो जाता तो लिटरली अकड़ जाती। सुहानी, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर तुम ऐसे स्पाइडर वुमन की तरह क्यों खड़ी हो? ठीक से खड़ी हो, क्या हुआ? आदि, डोंट टच मी प्लीज, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। हुआ क्या सुहानी? भैया मसाला पीसते पीसते अकड़ गए। अकरे, मरा जा रहा था ना साग खाने के लिए, देख तेरे साग की वजह से क्या हो रहा है। भैया धीरे बोलिए, मम्मी के किचन में है। मोहन, आदि को क्यों बोल रहे? इसमें उसकी क्या गलती है? क्या गलती है? एक अकड़ चुकी है, तुम टेटनेस के बाद अकड़ने वाली हो, इसका पैर टूटते टूटते बचाया, अब सिर्फ मैं बचाऊं। अरे 200 रुपए पर प्लेट मिलता है यार, किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लेना, साग खाना है ऊंट कहीं का। भैया आदि की सच में कोई गलती नहीं है, वो क्या है ना, हमें काम करने की आदत नहीं है। हाँ, सुहानी सही बोल रही है। आदि, दिस इज नॉट अ साग एनीमोर, इट्स अ सागा, पता नहीं कैसे बनेगा यार। भैया वो मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा, आप भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाइए और इंजेक्शन लगवाइए। जाइए। हाँ, चलो चलो चलो। इंजेक्शन लगवा, अरे कुछ नहीं होता यार, आंख बंद करना, हो जाएगा। चलो सुहान। ओए सॉरी सॉरी, आजा आजा। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? अरे बेटा, सुहानी बाहर गई थी ना, तो मैं मसाला पीसने लगी थी, अभी आ गई है तो ये पीस देगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप इसे मुझे दीजिए, आप बाहर जाइए और आराम कीजिए, आप थक गई होंगी। अरे नहीं बेटा, फिर ये बेचारी इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? मैं मदद कर दूंगा ना। तू शर्ट में बटन टाकना तक तो आता नहीं है, मसाला क्या पीसेगा? अरे मम्मी जी, प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर है ना, 2 मिनट में बन जाएगा, क्यों सुहानी? नहीं बेटा, स्वाद तो सिलबट्टे पे पिसे मसाले में ही आता है। मम्मी जी,
स्वाद आपके हाथों में है, उस पत्थर में नहीं। जब आप छौकेंगी ना तो अपने आप स्वाद अच्छा हो जाएगा। आइए मम्मी जी, आप आराम कर लीजिए, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। नहीं बेटा, एसी में तो मुझे घबराहट हो जाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि गार्डन में जाकर टहल। गुड आइडिया। जब तैयारी हो जाए तो मुझे बुला लेना। जी ओके। आदि, इससे पहले कि मम्मी जी का मूड बदल जाए, चलो जल्दी से सारी तैयारी कर लेते हैं। तुम नहीं, सारा काम मैं करूंगा। तुम थक गई हो, आराम से बैठो, ठीक है? डोंट वरी। सॉरी 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 सॉरी। तुम मेरे हाथों के पीछे क्यों पड़े हो आदि? जल्दी से ठीक हो जाओ मैडम, मैं इतनी देर तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। दूरी एंजॉय करना सीख लो मिस्टर खन्ना। अब मैं मैनेजर हो गई हूँ, कभी भी मीटिंग के लिए फॉरेन जाना पड़ सकता है। तो अच्छा है ना, मैं भी साथ चलूंगा। मीटिंग की मीटिंग हो जाएगी और हनीमून का हनीमून। पहले मसाला पीस ले हनी, फिर मून निकलने के बाद सपने देख लेना। मम्मी जी कहाँ रह गए? मम्मी जी, मम्मी जी, अभी क्या कर रहा है यार? अच्छा हो गया आप आ गए, देखो मम्मी जी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? डॉक्टर को बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। अरे क्या हुआ है, क्या हुआ है? मम्मी जी आप बैठ जाइए। हाँ मम्मी जी आप बैठ जाइए, एक काम कीजिए आप लेट जाइए। अरे आप फोन लगाइए। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, घर में एम्बुलेंस बुलाने की नौबत आ गई और तुम कह रहे हो लेट जाओ। हाँ क्या हुआ, क्या है? मम्मी जी लगता है आपका हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाँ, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। मुझे हार्ट अटैक हो मेरे दुश्मन को? हेलो जेके जी हॉस्पिटल, एम्बुलेंस है। अरे मैं प्राणायाम कर रही थी, कपाल भाती। नहीं चाहिए। क्या भैया आप भी, बेकार में सबको डरा दिया। मम्मी जी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ? मम्मी को हार्ट अटैक थोड़ी ना हुआ है। ए? मैंने डराया है ना नैना भाभी? हाँ, बस यूं ही परेशान होते रहते हैं। पैनिक पैनिक मैं पैनिक मम्मी मैंने पैनिक और नहीं तो क्या? तुम्ही ने तो कहा कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, अरे नहीं मम्मी जी मैं नहीं, वो आदित्य के पीछे पड़ना बंद करो बेटा। हाँ? छोटा भाई है तुम्हारा, बड़े हो तुम। अरे छोड़ो मम्मी, किसी किसी के नसीब में बड़े भाई का प्यार ही नहीं होता। अबे अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई। जी मम्मी जी, सब कुछ हो गया। ये रहा घी, हींग पाउडर, जीरा, लहसुन, कटावा प्याज, अदरक, मिर्च, मक्की का पाउडर, धनिया और ये रहा सरसों। बिल्कुल सही, अब तुम जाकर आराम कर लो। नहीं मम्मी जी, मैं यही रहूं। वो आदित्य को ना साग बहुत पसंद है, तो मैं भी सीखना चाहती हूँ। हाय बेटा, कितनी प्यारी है, चल मैं सिखाती हूँ। हाँ प्रेशर कुकर देना। एक मिनट में अभी ले। सबसे पहले प्रेशर कुकर में घी डालकर इसे अच्छे से गर्म करेंगे। अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसके बाद थोड़ी सी हींग डालेंगे। हाँ अब इसे अच्छे से भूनेंगे। अब थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। हाँ अब ये प्याज इसमें डालकर मिला देंगे। अब एक चम्मच अदरक डालेंगे। अब ये हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। हाँ मम्मी जी, महक भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, अब जो है सो है। बहु ये सरसों पकला ना? हाँ जी। हाँ ये लीजिए। अब ये इसमें डाल देंगे। थैंक यू सो मच, आप मुझे ये सिखा रही हैं। अरे बेटा, अब इसको ना अच्छे से चलाकर मिला लेते हैं, फिर स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, है ना?
नमक का अंदाज सही होना चाहिए बेटा। हाँ जी। अब बेटा इसे अच्छे से मिलाकर ना इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डालते हैं। आटा क्यों डालते हैं मम्मी जी? अरे इससे बेटा ये गाढ़ा हो जाता है, साग बहुत अच्छा बनता है। इसके वो गुठले नहीं पड़ने चाहिए, है ना? जल्दी जल्दी मिलाते हैं। अब बेटा जब तक ये पक रहा है ना हम सालन बना लेते हैं। जी सालन बहुत जरूरी है बेटा। सालन बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं, है ना? जी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं, ठीक है? जी। अब ये सालन जो है ये अच्छे से मिल चुका है ना। अब इसको कुकर में ये क्या? अब इसको मिला देते हैं अच्छे से। अच्छा बहू तुझे एक नुस्खा बताती हूँ साग बनाने के लिए ना, अच्छा साग बनाने के लिए इसे धीमी आंच पर जितनी देर तक भुना जाए, पकने दिया जाए, साग उतना ही अच्छा बनता है। जी मम्मी जी मैं याद रखूंगा। बहू अब ना हम इसे फिर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ जी। बन गया साग? अरे नहीं बेटा इसमें अभी तड़का लगना बाकी है। इसके लिए मुझे चाहिए कढ़ाई। एक मिनट ये लीजिए प्रेस्टीज का तड़का पैन। अरे बेटा इसमें नहीं होगा, मुझे मोटी लोहे की कढ़ाई चाहिए। मम्मी जी प्लीज ट्राई तो कीजिए ना, इसमें तड़का अच्छे से लगेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है बेटा देख लेते हैं। तड़के के लिए सबसे पहले घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो थोड़ी सी हींग। जी हींग से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है और खाना जल्दी पच भी जाता है। फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, ये साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है? अब इसको अच्छे से चला के ये जल ना जाए, बहुत जल्दी से डालते हैं बेटा। देखो बन गया साग। मम्मी जी इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया है, जब ये दिख इतना अच्छा रहा है तो इसका स्वाद कितना बढ़िया होगा। पर सरसों के साग का मजा ना मक्के की रोटी के साथ आता है, तो चल मक्के की रोटी बनाते। जी मम्मी जी। आ जा। मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मक्के का आटा। जी। 100 ग्राम गेहूं का आटा और 50 ग्राम मैदा। जी। इसमें स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हाँ जी। अब इसको बेटा हल्के गुनगुने पानी से गूंथते हैं। हाँ ये हो गया आटा तैयार। अब इसके ऐसे गोले बनाकर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हाथ से गोल गोल इसको बढ़ाते जाएंगे। जी मम्मी।
हाथ से ही बनाते हैं? हाँ बेटा। ये ऐसे एक तरफ सेक के अब सीधे आंच पर। ये हो गई मक्के की रोटी तैयार। वाह! बहुत बढ़िया बनाया मम्मी जी। मजा आ गया मम्मी जी। वैसे है कमाल, इतने साल बाद भी आपके हाथों में वही का वही स्वाद। आई मीन आप कर कैसे लेते हो ये? एक बात बताऊं, मैं आज मैं बहुत डरी हुई थी। क्या है कि पूरी तैयारी आदित्य और सुहानी ने अपने हिसाब से की और फिर मैंने कढ़ाई में भी नहीं बनाया, पर स्वाद बिल्कुल वैसे ही का वैसा है। मम्मी जी यही तो कमाल है प्रेस्टीज के अप्लायंसेस और यूटेंसिल्स का। हाँ मम्मी जी, उनकी मदद से तो अब आदि भी खाना बनाना सीख गया है। और मम्मी जी इनसे खाना बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। फिर तो मोहित भी खाना बनाने लगा। ये इन्हें तो किचन की स्पेलिंग भी नहीं आती। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे नैना के हाथ का बनाया हुआ खाना इतना अच्छा लगता है कि मुझे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैया आप ये कहने की कोशिश करें कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती इसलिए आदि बनाने लगा है? हाँ। अरे नहीं सुहानी, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोल दिया। मोहित, इसका मतलब आप भाभी की झूठी तारीफ कर रहे थे? ओए अबे, क्या सब्जे ने आज मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो यार? देखिए भैया बात मत बदलिए, आप किचन से बचने के लिए भाभी की तारीफ कर रहे थे ना। ए भारत मुनि, चुपचाप खाना खा, तेरे लिए मम्मी ने स्पेशली बनाया ना। भारत मुनि नहीं, प्यास मुनि। नहीं नहीं भाभी, व्यास मुनि। अरे वो नारद मुनि थे जो चुगली करके झगड़ा कराते थे। अरे जो भी मुनि, तू खाना खाना, मम्मी जी ने स्पेशली तेरे लिए खाना बनाया, तू बक 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 किए जा रहा है यार, कितनी बात करता है यार। ओके भैया सॉरी। अरे भाभी भाई दूज का तिलक भी करना, जल्दी खा लेते हैं। देखा देखा मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ। मैं शादी कर ली ताकि तेरे को बहन मिल जाए, तुझे राखी बांधे, तिलक लगाए, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। भैया मैं हूँ ना, आप मुझे बिल्कुल छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, और मैं आपको कहती भी तो भैया ही हूँ, तो आपका तिलक मैं करूँगी। ओके सुपर आइडिया यार सुहानी, मजा आ गया। जल्दी जल्दी खाना फिनिश करके सब लोग चेंज कर लेते हैं, फिर तिलक करेंगे, क्यों सुहानी? जी भाभी। वैसे एक बात तो है, बहुएं मैंने दोनों बहुत समझदार ढूंढी हैं। अरे मम्मी जी आपका तो हर काम परफेक्ट ही होता है, चलो जल्दी खाओ, चेंज भी करना है। कौन कौन कौन? रिया। भैया सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। ओ, ये तो भूल ही गया। अरे भैया थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आदि थैंक यू। भाभी हाँ, आपके भाई ने कम दिए तो ऐसा करते हैं दोनों मिलाकर आधा आधा बांट लेते हैं। ओके डन। मोहित अब तो आप खुश है ना, इस भाई दूज आपको भी बहन मिल गई। Yes. अब अगले भाई दूज से दोनों भाई मुस्कुराते रहेंगे। हाँ और मम्मी जी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने उनसे साग बनाना सीख लिया है। Wow. अच्छा कैसे बनाते हैं? भाभी सबसे पहले प्रेशर कुकर में घी डालकर उसे गर्म करें, फिर उसमें जीरा, हींग, बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और सरसों का साग डालकर उसे अच्छे से मिलाएं। उसमें थोड़ा सा नमक, मक्के का आटा डालें ताकि वो गाढ़ा हो जाए। एक बोल में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करें। कुकर में डालकर कुकर की लिड बंद करें और उसे 15 मिनट तक पकाएं। जब साग पक जाए तो उसे एक बोल में निकाल लें।
छोंक के लिए तड़का पैन में घी गरम करें, फिर उसमें डालें हींग, जीरा, लहसुन, अदरक, साबुत लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। छोंक को साग में डालें। हो गया सरसों का साग तैयार। साग को तेज आंच पर नहीं, धीमी आंच पर पकाना चाहिए। मक्के की रोटी बनाने के लिए 300 ग्राम मक्के का आटा, 100 ग्राम गेहूं का आटा और 50 ग्राम मैदा गुनगुने पानी से गूंद लें। लोई बनाकर हाथ से उसे फैलाएं। पहले तवे पर सेकें और फिर आंच पर पकाएं। हो गई तैयार मक्के की रोटी। सही है ना मम्मी जी? बिल्कुल सही। और आज सिर्फ सुहानी ने ही नहीं, मैंने भी सुहानी से कुछ सीखा है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि जो काम फटाफट किया जा सकता है उसके लिए बेकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब? मतलब ये बेटा कि जो खीर 20 मिनट में इतनी स्वादिष्ट बन सकती है उसके लिए 3 घंटे तक दूध उबालकर समय और गैस बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, ये तो मेरे प्रेस्टीज के अप्लायंसेस का कमाल है भाई। हाँ बेटा, तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे घर पहुंचने से पहले प्रेस्टीज का सारा सामान मेरे रसोई घर में पहुंच जाना चाहिए। मम्मी जी, आपका हुकुम तो सर आंखों पे। भैया डायलॉग मारना बंद करो, मम्मी जी की कल शाम की ट्रेन है, शॉप पर जाइए और सामान लेकर आइए। ए रुको, 18 घंटे तक ट्रेन में बैठकर कौन जाएगा? तू तो मेरा ट्रेन का टिकट कैंसिल करवा दे और फ्लाइट में मेरा टिकट बुक कर दे। सबसे ज्यादा तो पापा खुश होंगे, मम्मी चेंज हो गई। मम्मी जी आप इतना करिए तो एक मोबाइल भी ले लीजिए ना, आप गायब हो जाए तो हमें बात करने में बड़ी परेशानी होती है।